जनपद उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह ने रुद्रपुर में नगर निगम सिंचाई समेत अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में डीएम ने आगामी बरसात के मौसम के मद्देनजर नगर के सभी नदी नालों की सफाई के निर्देश दिए। यही मैदान शुरू होता है जिसको तराई कहते हैं, और इस पूरे क्षेत्र में नदियों का जो फ्लो होता है पानी का, वो बहुत तेज गति से पानी आता है, और अगर नदियों में कहीं पर सिल्ट जमा हो जाती है तो पानी बैक फ्लो करता है, तो पीछे के इलाकों में जलभराव की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो हम लोगों ने अभी मार्च महीने में ही पूरे जिले के नदियों के मेजर इलाकों का सर्वे करा लिया कि कहां पर सिल्ट ज़्यादा है और उसको उठान कराना है, तो उसके लिए सर्वे करा करके लगभग 17 क्षेत्र हैं पूरे जिले में नदियों के स्ट्रेच वाइज किलोमीटर में, उसका मेजरमेंट करा के सिंचाई विभाग से रिपोर्ट लेके माइनिंग से उसकी टेंडरिंग करा दिया गया है, और वहाँ से सिल्ट गाद हटना भी शुरू हो गया है पूरा अप्रैल से, अब तक हट ही रहा है धीरे धीरे। और इसके अलावा लगभग जो हमारे 35 से 40 और प्लेस हैं जिसको सिंचाई विभाग ने कहा है, वो छोटे काम हैं कि उनको जो है माने वहाँ भी सिल्ट है उसको हटाना है।